देखते हैं आम आदमी अपने और अपने परिवार के लिए जीता है, महान आदमी देश और समाज के लिए जीता है। ऐसे ही है हमारे सतबीर भाई धानलाल गांव से। तो नमस्कार सतबीर। नमस्कार। पूरे देश के सभी युवा और नागरिक, यहाँ तक कि महिलाएं भी आने वाली हैं, है ना? हाँ जी। तो सभी के लिए प्रोग्राम है और एक सामाजिक प्रोग्राम है, शहीद के उपलक्ष्य में है। शहीद युवाओं को याद किया जाएगा, भगत सिंह जैसे। हमारे साथ भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? सुमित। सुमित भाई, यहाँ पे शहीद दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम हो रहा है, विशेष रूप से युवाओं के लिए है, क्योंकि शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, वैसे तो महिलाएं भी आ रही हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो जी, बड़ा बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह प्रोत्साहन में लगा युवा है, शहीदा के बारे में, देश के बारे में और धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। एक देशभक्ति की भावना जगेगी युवाओं में। हाँ जी। हमारे साथ, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। युवाओं में देशभक्ति की भावना वैसे तो कूट कूट कर भरी हुई है, उनके जज्बा और जगाने के लिए कल जो प्रोग्राम किया जा रहा है धानलाल गांव में, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में युवाओं को प्रोत्साहन तो मिल रहा है, जागरूक है, लेकिन पूरे समाज को, बड़े बुजुर्गों को भी इस प्रोग्राम से बड़ी जिज्ञासा मिलेगी। युवाओं में जो आजकल की भावना है, जो इधर उधर दूसरे युवा भटक रहे हैं, उनको भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जन जागृति मिलेगी, क्योंकि ये शहीदी दिवस राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के जो नाम लुप्त होने के कगार पर थे, ये सतबीर भाई जैसे समाज सेवियों ने ये प्रोग्राम रच के हिंद को एक यादगार के रूप में युवाओं को जागृत करने का काम किया है। नमस्कार जी। कहा जाता है कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो, अपने घर में अगर पैदा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह हो, और मैं तो यह कहना चाहूँगा कि हर घर में एक भगत सिंह कम से कम जरूर होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगे? शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया जा रहा है जी, ऐसे इंसान तो हर घर में होने चाहिए जो देश के लिए मन मिठे जी, घर के लिए नहीं, किसी के लिए, किसी कौम के लिए, 36 बरादरी के लिए, देश के लिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे इंसान अपने हाथ के फिर होने चाहिए, इनको हम भूल गए थे, इनको याद करने के लिए ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि उनको सदा हम याद रखें। जय हिंद। एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, भगत सिंह जीते थे हमेशा देश के लिए। तो भगत सिंह के बारे में हमारे साथ सतबीर जी से और जानेंगे। तो सतबीर जी बताइए, जो भगत सिंह थे, इनका क्या इतिहास रहा है? भगत सिंह जी यार देश के लिए कुर्बान हुए हैं जी, ऐसा आदमी है ना, अरे घर में होना चाहिए, हम तो ये कहा ठीक, पूरे देश के लिए अपनी जान नौछावर करी इन्होंने। हाँ। तो ऐसे युवा हर घर से पैदा हों, हर घर से पैदा हो, यही कामना करते हैं, और यही इसी उद्देश्य को लेकर धानलाल गांव में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हाँ। बड़े बड़े कलाकार यहाँ आने वाले हैं, युवाओं में जज्बा भरने का कार्य करेंगे। हाँ जी। वो हमारे साथ और आगे देख। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? प्रदीप जी। प्रदीप भाई, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर और इनके उदाहरण दिए जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस गांव से, पूरे देश से, हर घर से इस प्रकार का जज्बा भरने का कार्य धानलाल गांव में किया जा रहा है, भगत सिंह जैसे और युवा पैदा हों, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हर घर में एक भगत सिंह पैदा होना चाहिए, देश के प्रति जिसने अपनी जान न्यौछावर कर दी, नौजवान बच्चों ने सोचना चाहिए इसके बारे में। और ये जो कल प्रोग्राम किया जा रहा है, धार्मिक प्रोग्राम है, शहीदी भगत सिंह की जयंती के उसमें धार्मिक प्रोग्राम होगा, अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे, मशहूर कलाकार प्रीति चौधरी, जयदीप, देव कुमार देवा, जसलीन कौर, रजनी शर्मा और अन्य कलाकार भी आएंगे। जो ये कल रागनी कंपटीशन वाला है, इसमें ऐतिहासिक प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। और जो यू इतिहास से संबंधित गाथाएं गाई जाएंगी, ऐतिहासिक गाथा गाई जाएंगी। तो जैसा कि सतबीर जी ने बताया,
कि ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है धानगढ़ गांव में, और पूरे देश के युवा यहाँ आने वाले हैं, महिलाएं आने वाली हैं, बुजुर्ग आने वाले हैं, और एक संदेश दे के जाएंगे यहाँ से कि भगत सिंह जैसा युवा हर घर में पैदा हो। जैसा कि सतबीज भाई ने बताया कि ये एक इतिहास रचा जाएगा धानलाड़ गांव की धरती पर, पहली बार इस प्रकार का इतिहास धानलाड़ गांव में रचा जा रहा है कि एक इतना बड़े स्तर पर प्रोग्राम धानलाड़ के धरती पर होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम के अंदर बड़े से बड़े कलाकारों को बुलाया गया है, जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा युवाओं के मुंह से होता है, बुजुर्गों के मुंह से होता है, महिलाओं के महिलाएं जिनकी तारीफ करते नहीं थकती, जैसे कि प्रीति चौधरी, जैसा कि सतगुरु भाई ने उदाहरण दिया है प्रीति शेरावत का, और राजस्थान से प्रीति चौधरी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े कलाकार उन युवाओं में वो जज्बा भर के दिखाएंगे उस इस धरती माँ के लिए, इस माँ भारती के लिए, कि क्या एक युवा कर सकता है, और जो युवाओं में वो जज्बा भर के दिखाएंगे कि अपने देश के लिए मर मिटने का उनमें एक अलग ही बलिदान नौछावर करने का एक अलग ही जज्बा दिखाई देगा। तो हमारे साथ आज सतबीर जी और गांव के ग्रामीण थे धानलाड़ के, जिन्होंने बताया कि इस धरती पर इतिहास रखने जा रहा है कल 23 मार्च शहीदी दिवस के दिन, और ये प्रोग्राम स्कूल के ग्राउंड में होने जा रहा है सुबह 10 बजे। तो सभी युवाओं से, सभी महिलाओं से और सभी बुजुर्गों से यही आग्रह करना चाहेंगे, कम से कम इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये प्रोग्राम महज एक युवाओं का नहीं है, महज हर जज्बे में, हर धर्म के लोगों में, हर एक देशभक्ति की भावना बनने का है, पूरे देश में को एकता में एकता के सूत्र में पिरोने का प्रोग्राम है। तो इतना कीमती समय दिया, इसके लिए सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।